नमस्कार सभी को, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। सौभाग्यदीप चैनल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, ज्योतिष और उपाय। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली किस प्रकार देख सकते हैं, दूसरों की जन्म कुंडली किस प्रकार देख सकते हैं और उपाय भी किस आधार पर कर सकते हैं, ताकि आप जो उपाय करें उसका प्रभाव अचूक हो। हम बहुत अधिक भूमिका देने की बजाय सीधा अपने उद्देश्य पर आते हैं। हमारे पास में एक जन्म कुंडली है एक महिला की, जिसकी जन्म तिथि है 13/7/1985। इसका जन्म स्थान व जन्म समय हम नहीं बता रहे हैं, नाम भी नहीं बता रहे हैं, ताकि गोपनीयता रहे। जन्म समय व जन्म तारीख आदि भी देखने की बहुत सरल विधि है ज्योतिष में, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। मोटे तौर पर आप समझ लें कि आप शनि और गुरु की स्थिति को देखकर वर्ष जान सकते हैं, सूर्य की स्थिति को देखकर माह जान सकते हैं, चंद्रमा से आप दिन जान सकते हैं और चंद्रमा की डिग्री से या उसके नक्षत्र से आप विशेष दिन जान सकते हैं। सूर्य से माह के अतिरिक्त समय, यानी कि जो यह जन्मपत्री है, यह लगभग सूर्यास्त से पहले की जन्मपत्री है। इतना सा आप अंदाजा लगा सकते हैं और जन्म लग्न की डिग्री से आप इसका सही सही जो समय निर्धारण कर सकते हैं। खैर, जो हमारा उद्देश्य है आपको यह समझाना कि आप ज्योतिष के उपायों को किस प्रकार बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जन्मपत्री में वृश्चिक लग्न है और तीसरे स्थान में गुरु है, अपनी नीच राशि मकर में, चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, छठे स्थान में राहु है, शुक्र और चंद्रमा है सातवें स्थान में, मंगल और सूर्य है आठवें स्थान में, बुध है नौवें स्थान में और शनि और केतु है बारहवें स्थान में। इनके ग्रहों के अंश भी हमने दिए हैं। लग्न 25 डिग्री का है, सूर्य 27, चंद्रमा 4, मंगल 28, गुरु 21, शुक्र 14, शनि 27 और राहु 21। जो इसके अतिरिक्त बुध ग्रह की स्थिति भी हम देख लेते हैं, बुध ग्रह है 23 डिग्री। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस महिला की परेशानी क्या हो सकती है। जो जीवन में मुख्य तौर पर हम देखते हैं स्वास्थ्य कैसा है, उसके बाद में उसका जो महिला है तो उसकी शिक्षा, उसका कार्य व्यवसाय, उसका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का, इन सब में परिणाम मिलेगा। तो इसमें लग्नेश है मंगल और आठवें स्थान में। आठवां स्थान जो सामान्यतः हम देखते हैं, आयु स्थान है, मृत्यु का भी स्थान है, गड़ा धन इस स्थान से देखते हैं। और जो जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सारी इस भाव से देखते हैं। लग्नेश अष्टम स्थान में होने का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, जीवन में बहुत आगे बढ़ने की, बहुत कुछ कर गुजरने की उसकी इच्छाएं होती हैं। यह इच्छाएं पूरी होती हैं या नहीं, यह एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं। तो आप ये समझिए पहले कि जिस महिला की यह जन्मपत्री है वह बहुत महत्वाकांक्षी है, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहती है, देश विदेश घूमना चाहती है, बहुत सारे काम करना चाहती है। अब और स्थिति हम देखते हैं, जो धन स्थान का स्वामी जो गुरु ग्रह है वो नीच राशि में है, और नीच राशि में जब गुरु होता है तो ऐसे आदमी का जो आउटलुक होता है, या जो उसका एक तरीके से कहें कि किसी से प्रथम बार
मिलने का होता है या फर्स्ट इम्प्रेशन जिसे हम कहें बहुत ही अच्छा होता है। धन स्थान का स्वामी नीच राशि में है तो इसका मतलब यह समझें कि इसके पास में जो भी धन की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, दूसरे व्यक्तियों को बहुत ही अच्छी महसूस होगी। यानी कि उसका जो उसकी जेब में अगर 100 रुपये होंगे तो सामने वाले व्यक्ति को कम से कम 500 रुपये या 1000 रुपये महसूस होंगे कि बहुत धनी व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति। अब हम आगे की जो ग्रह देखते हैं, तीसरे और चौथे स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है। अच्छा योग है, कोई खराबी वाली बात नहीं है। गुरु 5वें स्थान का स्वामी नीच राशि में है, यह खराब हो गया 5वें स्थान के लिए। 5वां स्थान होता है उच्च विद्या का, और उच्च विद्या के अतिरिक्त संतान का भाव है, प्लानिंग का भाव है। यानी कि इन सब में, या आप ये समझें कि पूर्व पुण्य का भाव है, इन सब में उसको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो सामने वाले को महसूस होगा वो बहुत अच्छा शुभ महसूस होगा। लेकिन स्वयं ऐसे व्यक्ति को यही महसूस होता है कि उन इन सब जो कारकत्वों में उसे कमी महसूस हो रही है। राहु है 6वें स्थान में और केतु इसीलिए 12वें स्थान में चला गया। आमने सामने होते हैं ये ग्रह, पाप ग्रह है, और 6वें स्थान में राहु बैठना ठीक है, कोई से खराबी वाली बात नहीं है। शुक्र और चंद्र है 7वें स्थान में, शुक्र स्वग्रही है, 7वें स्थान का स्वामी भी है, 7वें स्थान का कारक भी है, और चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी है और भाग्य का कारक है। उसके आगे अगले भाव में हम देखते हैं मंगल और सूर्य है, सूर्य दशमेश है, दशमेश जो सूर्य है 8वें स्थान में, बहुत शुभ नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन सूर्य कहीं भी बैठता है उसे दोष नहीं लगता, अष्टमेश होने का भी सूर्य को दोष नहीं लगता। भाग्यस्थान में चंद्रमा की राशि में बुध है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन 23 डिग्री का है इसलिए लाभदायक है, बुद्धि के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ है। और शनि केतु है 12वें स्थान में, 12वें स्थान में शनि सामान्यतया व्यक्ति को जिद्दी बनाता है। तो अब हम जन्म कुंडली में देखते हैं कि इस जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही है, शिक्षा की स्थिति अच्छी है क्योंकि बुध ग्रह ठीक है। उसके बाद में हम दाम्पत्य जीवन देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने सारा जीवन अपना जो दाम्पत्य जीवन जो गुजारना है किसी के साथ में रह के, उसको क्या प्रभाव मिलने वाला है। 7वां स्थान उसके दोनों तरफ है राहु और मंगल व सूर्य, पाप ग्रह। 7वें स्थान का स्वामी शुक्र, दोनों तरफ पाप ग्रह। भाग्यस्थान का स्वामी चंद्र, दोनों तरफ पाप ग्रह। यानी कि 7वां स्थान सप्तमेश व भाग्येश पाप प्रभाव में आ गए। इसलिए सीधा और स्पष्ट इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा, अफसोस, लेकिन दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा। हुआ भी यही, पहली शादी हुई, कामयाब नहीं हुई, तलाक लेना पड़ा। अब दूसरी शादी का हम देखते हैं, दूसरी शादी हम देखते हैं भाग्यस्थान से, पहली 7वें स्थान से, दूसरी भाग्यस्थान से, तीसरी शादी देखते हैं 11वें स्थान से। भाग्यस्थान का जो स्वामी ग्रह है चंद्रमा, वह भी पाप कर्त्री योग में हुआ, इसलिए दूसरी शादी भी चलने का कोई योग नहीं था, तो दूसरी शादी भी नहीं चल पाई और अंततः तलाक लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर स्थिति यही हुई कि 2 बार शादी की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और अब जो वर्तमान में दशा चल रही है वह है राहु में चंद्रमा की, और यह खत्म होने को है। इसके बाद में राहु में मंगल की दशा चलेगी 29/10/2022 तक। इसमें भी देखते हैं हम कोई शादी से संबंधित कोई अच्छा समाचार मिलेगा या नहीं मिलेगा। अष्टम में मंगल है, भले लग्ने से है वो, तो भी मांगलिक योग हुआ, और अष्टम मंगल घोर मांगलिक होता है, इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि यह मांगलिक नहीं है, मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है।
तो अब स्थिति हम देखते हैं कि ये दोनों बार शादी की और नहीं चली। इससे जो बहुत ही व्यक्ति को बहुत ही दुख होता है, मानसिक दुख होता है, समाज में बहुत परेशानी होती है, सारी चीज़ें बहुत जो है कष्टकारक होती हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से यह सिद्ध होता है कि इसमें दो बार शादी फेल होने का क्लियर कट लक्षण है। उसके बाद में भी जो शादी होगी, क्योंकि ये परमानेंट स्थान है शादी का, पापकर्तरी योग में है, ये बहुत कामयाब नहीं होगी, कुछ ना कुछ क्लेश चलता रहेगा। तो अब हम अपने जो इस एपिसोड को लंबा ना खींचते हुए सीधे सीधे यह बात करते हैं कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता था या आगे कैसे बचा जा सकता है। इस जो समस्या स्पष्ट है, तो इस समस्या का बचाव है जो सबसे पहले इस भाव को मजबूत करना, सप्तम भाव को मजबूत करना। शुक्र है सप्तमेश, सवग्रही है, बलि होता है, और यहाँ पर बलि होकर, क्योंकि पाप कर्तरी योग में है और दाम्पत्य जीवन में बाधक है, इसलिए यह दाम्पत्य जीवन में भी बाधक होकर बलि ही होगा, यानी कि शांति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पहला काम तो यह करें कि शुक्र ग्रह का दान करें। शुक्र ग्रह का दान कैसे आपने करना है यह समझ लें। सफ़ेद वस्त्र लें, ब्राह्मण के लिए मिश्री लें 1.25 किलो, सबसे आसान उपाय है और अचूक प्रभाव देने वाला उपाय है। किसी भी शुक्रवार को यह सामग्री ब्राह्मण को दें, संकल्प कराएं। ब्राह्मण संकल्प करेगा कि मैं इस नाम गोत्र का ब्राह्मण इस व्यक्ति से यह सामग्री दान में ले रहा हूँ, शुक्र ग्रह के निमित्त दान, यह भी ब्राह्मण का ही कार्य है बोलना। पहला जो हो गया दान, उसके बाद में इस स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है, केवल दान से नहीं होगा, इसमें विष्णु जी की पूजा करनी पड़ेगी, विष्णु भगवान की, वही कल्याण कर सकते हैं। वह कैसे होगी, सीधा और सरल सिस्टम है। जो पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं, सबसे पहले जाकर प्रणाम करें, एक लोटा जल चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, और इस सारी अवधि में ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का पाठ करते रहें। यह पाठ बाद में भी 45 दिन तक हर रोज करें। अगर कोई स्थिति खराब होती है तो इसे 50 दिन 55 दिन में कभी भी पूरा किया जा सकता है। तो हर रोज एक माला का मंत्र पाठ करें, ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र है, बहुत आसान है, इससे काफ़ी हद तक कार्य सिद्धि हो जाएगी। अब इसके बाद में यह भी हमको देखना है कि जो विवाह हो वो चले भी और भाग्य भी प्रबल हो जाए। इसके लिए एक नर भैरवी आकर्षण लॉकेट आता है, जिसको धारण करने से जो सीधा सीधा चंद्र बलवान होगा, व्यक्ति के आकर्षण में वृद्धि होगी और दूसरों का लगाव उसके साथ में अच्छा होगा, यानी कि जिसके साथ में विवाह होगा वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की केयर करेगा, प्रवाह करेगा, उसको हर तरीके से सुख सुविधा देने का प्रयास करेगा। नर भैरवी लॉकेट में ऊपर नर भैरवी देवी का यंत्र लगता है, उसके नीचे 3 रत्न लगाएं, बीच में जो मोती लगता है, जो संबंधित है रत्न वो लगाने पड़ेंगे, और इसका मंत्र पाठ करना पड़ेगा नर भैरवी का, पूर्ण जो श्रद्धा के साथ में और विश्वास के साथ में वह धारण करने से निश्चित ही दाम्पत्य जीवन चलेगा, दोस्ती चलेगी, व्यवसाय चलेगा और आर्थिक स्थिति में भी समृद्धि आएगी। ये 3 उपाय करने आवश्यक हैं। अगर ऐसी जन्मपत्री में ये 3 उपाय विवाह तय करने से पहले कर लिए जाएं, तो निश्चित है कोई भी परेशानी नहीं आती।
ये पाप कर्तृयोग का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही उपाय करना चाहिए। बाकी ग्रह स्थितियाँ अच्छी हैं, बुध भी मजबूत है, सारे जो इसमें दूसरी जो स्थिति हो सकती है शनि और राहु केतु जो है छठे बारहवें स्थान को खराब कर रहे हैं, थोड़ा वक्त के साथ में ऐसे व्यक्ति की निद्रा भी खराब होने लगती है, कम आने लगती है, वह सब जो मामूली उन बातों के उपाय हैं। तो आज हम केवल आपको इतना ही बताकर जो अपना कार्यक्रम यहीं पर छोड़ते हैं कि इस तरीके के जन्मपत्री में उपाय करने से निश्चित लाभ मिलता है, और यदि व्यक्ति उपाय नहीं करता, वो सोचता है कि मैं जो भाग्य में लिखा है वही होना है, तो जितनी बार भी विवाह होगा उतनी बार ही क्लेश होगा, निश्चित समझें, उतनी बार ही या तो छुटकारा मिलेगा, तलाक होगा, या जो रो रो कर जिंदगी काटनी पड़ेगी। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट ये लक्षण है इस जन्मपत्री में, और निश्चित तौर पर उपाय लाभदायक होता है। धन्यवाद।